जी हाँ, अगर आप 2 चम्मच देसी घी में 3 चम्मच गेहूं का आटा डालो और उसको अच्छे से मिला दो तो आपका एक मक्खन का लेप तैयार हो जाएगा। और फिर 2 कप आटे में थोड़ी कलौंजी, जीरा, अजवाइन, नमक और देसी घी डाल के इनको अच्छे से मिला दो और फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी मिला के एक सख्त सा आटा लगा दो और इस सख्त आटे को ढक कर सुला दो तो आधे घंटे बाद आपका आटा एकदम रिलैक्स्ड हो जाता है। और इसी आटे को काट कर आप अगर इसको गोल बेलो, अच्छा गोल नहीं बेला तो कोई नहीं, मक्खन का लेप लगा देते हैं इसके ऊपर, इसको अच्छे से रोल करके खच खच करके काट दो और फिर दबा कर जब आप बेलोगे हो गया ना गोल। अगर इसमें थोड़ा मक्खन का लेप और लगाकर आटे को ऐसे मोड़ो फिर दबा कर ऐसे मोड़ो तो आपको बिल्कुल ट्रायंगल मिल जाते हैं। और इन्हीं ट्रायंगल्स को अगर आप मीडियम फ्लेम पे आराम से फ्राई करोगे तो इसकी सारी परतें खुल जाएंगी और आपको मिलेंगे एकदम करारा खस्ता परत वाले नमक पारे। अब चाय पीते हुए खाएंगे यही सारे क्योंकि गेहूं के आटे से ही बन जाते हैं टेस्टी नमक पारे। यकीन नहीं होता तो एक बार मेरे कहने पे बना के तो देखो।